हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू आर्ट चैनल। सो गाइज, मेरे पास ये ब्लेंडिंग स्टम्प जो मैंने ऑर्डर किया था, तो इसको कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इस रैप को हटाते हैं। सो गाइज, रैप के अंदर कुछ इस प्रकार से पैकिंग था। इसको निकालते हैं बाहर, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, फिर इसका यूज़ बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। इसमें अलग अलग नंबर्स के स्टम्प्स हैं और ये नीडेड इरेजर जो हाइलाइट्स करने के लिए होता है। सबसे पहले स्टम्प्स से देखते हैं। तो गाइस, ये नीडेबल इरेजर है जो किसी भी एंगल में इसको बना सकते हो, किसी भी एंगल में बना करके इसको यूज कर सकते हो। लाइक ऐसे भी बना के यूज कर सकते हो, किसी भी एरिया को हाईलाइट करना है। और ये अलग अलग नंबर्स के स्टम्प है जो छोटे और बड़े एरिया को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा छोटे हैं तो छोटे को और बड़े से बड़े को। तो एग्जांपल के लिए गाइस, मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, मैंने सिंपल सा एक आइस ड्रॉ किया है, तो मैं बताऊंगा इसको ब्लेंड कैसे करना है। तो मैंने बड़ा वाला स्टंप को जैसे बड़े एरिया के लिए ब्लेंड करने के लिए लिया हूँ, जैसे कि ये जो बीच वाला आईबॉल्स है उसको बड़े एरिया के लिए बड़े वाला स्टंप यूज़ कर सकते हैं। अब पहले में और अब में जो बिल्कुल फ़र्क दिख रहा होगा, बिल्कुल स्मूथ शेडिंग हो रही है ब्लेंडिंग स्टंप से। जहाँ पर वाइट वाइट एरिया है उस पार्ट को अच्छे से शेड कर पा रहा है इस स्टंप से, आपको बिल्कुल फ़र्क दिख रहा होगा। तो छोटे एरिया के लिए आप छोटे स्टंप यूज़ कर सकते हो और बड़े एरिया के लिए बड़े स्टंप यूज़ कर सकते हो। ये छोटा जो छोटा वाला है इसको आप इस लेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। जिससे बिल्कुल रियलिस्टिक स्केच बनता है। इसे पेपर स्टम्प भी कहते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन शॉप से आप ले सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन शॉप्स पे तो मुश्किल होता है मिलना वहाँ पे। तो वैसे डिफरेंट आपको लग रहा होगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स कितना यूजफुल है या नहीं है। तो गाइस, स्टम्प्स का यूज़ तो आपको ऑलमोस्ट पता लग ही गया होगा किस प्रकार से यूज़ करना है। नीडेड इरेजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, इसको किसी भी टाइप का बना सकते हो, छोटा बड़ा या फिर मतलब जैसा एरिया वैसा आप बना सकते हो। और जिस एरिया को हाईलाइट करना है, लाइक आइज में कहीं पे वाइट स्पॉट्स देना है, तो आप ऐसे करके ये मतलब काफ़ी स्मूथ शेडिंग होती है और जितना भी डस्ट होता है ये अपने अंदर ऑप्ट कर लेता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो नीडेड इरेजर भी काफ़ी यूजफुल है। तो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।